Hello, today I am going to start second chapter, solution of class 12. Almost all the process in body occur some kinds of liquid solution. In normally life, we really comes across the pure substance. Most of these are mixture containing two or more pure substances. The utility or importance in life depend on the composition. For example, brass is a mixture of copper and zinc. It is alloy. You know, the German silver is alloy of copper, zinc and nickel. Bronze is a alloy of copper and tin. ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं कि ये alloy हैं. आपने 9th में इनकी definition पढ़ी है. Alloy is a mixture of two metals. ठीक है, on heating it start melting and mix together in the definite proportion and gives the another metal is called alloy. Okay. तो अगर हम देखें तो chemistry में अगर हम देखें तो solution जनरली यही पढ़ा जाता है कि होमोजीनियस स्टेट को सॉल्यूशन कहा जाता है. क्या इट इज़ करेक्ट? नहीं. होमोजीनियस के अकॉर्डिंग तो अगर हम बात करें तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को ही हम लिक्विड लिक्विड स्टेट की दो चीज़ें अगर आपस में मिक्स करें तो ही हम उसे सॉल्यूशन बोलते हैं. बाकी सब तो सॉल्यूशन में नहीं काउंट होंगे. बट नहीं, 9th में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट में. तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या दिया है. देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहले तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है. Solutions are the homogeneous mixture of two or more than state, two components. Homogeneous mixture we can say मतलब two components are in solid states or two liquid state or gases. Okay, in the quantity less amount present is called solute and quantity more amount present is mixture is called solvent. Solution we can say it is a binary type of compound, binary type of mixture, binary type of टू सब्सटेंस. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. देखें, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन. देखिए, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में रहेगा, सॉल्यूट चेंज होते जाएंगे. सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट, गैस इन गैस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड एयर इज ऑल्सो वी कैन से इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज. Liquid in gas means liquid in small quantity, gas in large quantity. So chloroform mix with the nitrogen. इसके अलावा liquid in gas अगर हम बात करें तो LPG, CNG आपने सुना होगा, liquid petroleum gas. तो actually जब हम उसको liquid form को अगर जब ज़्यादा ही gas form को जब कंडेंस करते हैं तब जाके liquid होती है. तो actually उसमें gas ज़्यादा होती है और liquid कम होता है. Okay, now solid in gas मतलब इसमें एयर भी आ सकती है. अगर हम डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर कहें तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा. इसके अलावा कैम्फोर इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मतलब हाइड्रोजन जो होती है कि गैसेस जो होती है ज़्यादा होने पर एक्सेस होने पर वो किसी मेटल पे एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है. लिक्विड स्टेट सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड. ठीक है, फिर लास्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड. इस टाइप से हम बता सकते हैं देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं और कोलाइडर सॉल्यूशन 8 टाइप्स के होते हैं. गैस इन गैस इज़ नॉट पॉसिबल, ये हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, 11th क्लासेस में आपने ये जो चैप्टर गैसियस स्टेट है उसमें पढ़ा था, मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, ये सब टर्म वहाँ जुड़े हुए हैं. और इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में भी इससे जुड़े थे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं. चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन 11th. चलिए एक बार वो रिवाइज करते हैं. मास परसेंटेज फर्स्ट टर्म दिया है. मास परसेंटेज बेटा 3 टाइप का होता है. इसमें कैसे करते हैं इसको हम देखें. देखिए 3 टाइप्स के होते हैं परसेंटेज, वॉल्यूम इन वॉल्यूम, वेट वाई वॉल्यूम, वॉल्यूम वाई वेट एंड वेट वाई वेट. मींस क्या हुआ, वॉल्यूम वाई वॉल्यूम अगर लिक्विड को लिक्विड में ऐड करते हैं यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड स्टेट तो वी कैन से वॉल्यूम इन वॉल्यूम. जैसे वाटर के अंदर अगर आप मिल्क ऐड करते हैं या मिल्क के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो यू कैन से वॉल्यूम इन वॉल्यूम, बोथ आर इन लिक्विड स्टेट. अच्छा, शुगर को वाटर में ऐड करें, सॉल्ट को अगर वाटर में ऐड करें तो सॉल्ट जो है कम क्वांटिटी में यानी सॉल्यूट है और जो वाटर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में, दैट मीन सॉल्वेंट.
तो वेट बाय वॉल्यूम हो गया। इसी तरह अगर हम देखें कोई लिक्विड को, यानी कोई लिक्विड है, दो तीन ड्रॉप लिक्विड या दो तीन बहुत कम क्वांटिटी में लिक्विड को जब किसी सॉलिड कंपाउंड में ऐड करा जाता है, जैसे आटा, जैसे आपने देखा होगा घर पे जब मम्मी रोटी हुई चपाती बनाती है तो आटे में पानी डालते, तो पानी कम क्वांटिटी में डाला जाता है, तो वॉल्यूम इन मास आ जाएगा क्योंकि वाटर का वॉल्यूम कम है और जो सॉलिड थिंग है उसका मास ज़्यादा है। लास्ट वेट बाय वेट, यानी सॉलिड इन सॉलिड, कोई भी शुगर प्लस सॉल्ट दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो, या आटे में अगर हम बात करें सॉल्ट को ऐड कर दिया जाए तो वो वेट बाय वेट होगा। यानी लिक्विड थिंग के लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉलिड के लिए वेट बाय वेट, और लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन लिक्विड के लिए वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट आपको लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? देखिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, लुक एट द स्क्रीन। देखिए परसेंटेज जैसा, जैसे हमने एग्ज़ाम में देखते हैं कि टोटल मार्क्स नीचे लिखे जाते हैं, जो ऑप्टेन करते हैं उसे ऊपर लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। सिमिलरली अगर किसी भी कंपोनेंट्स का हम अगर परसेंटेज निकालना है तो डेफिनेटली उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। तो मान लीजिए सॉल्यूट अगर ए है और सॉल्वेंट अगर बी है, तो आपको दोनों का मास कैलकुलेट करना है। जैसे सॉल्यूट 4 है और सॉल्वेंट बी है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और टोटल ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो जिसका भी आपको मास निकाला, अगर ए का निकालना है तो ए लिख देंगे और बी का अगर निकालना है तो बी लिख देंगे। अब कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, तो यहाँ पे आपको पहले मास ऑफ ए, मास ऑफ ए कितना है 4, और टोटल मास ऑफ ए प्लस बी, यानी टोटल मास आपको करना पड़ेगा 40, 10, देन मल्टीप्लाई 100, देन यू विल गेट द 40%। ओके नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास CO2 है और इसका बोला जाए कैलकुलेट द मास परसेंटेज, तो आपको मालूम है कार्बन का मास 12 होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई बाय 2, देन फाइनल आंसर यू गेट 44। ओके मास परसेंटेज अगर कार्बन का कैलकुलेट करा जाए, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, तो देखिए कार्बन का मास हम 12 लिखेंगे, टोटल मास कितना होगा 44 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैंसिल करिए, कैंसिल करने पे जो भी मास आएगा तो उसको, उस हाइड्रोजन, हमारे पास दूसरा कंपाउंड क्या है ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो उसको 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का मास माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, ये हो गया मास परसेंटेज। देखिए एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे H2O है, यहाँ भी मास परसेंट, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 का 2 प्लस 16, देन फाइनल आंसर इज 18। आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर बोला जाए तो ध्यान से देखिए, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और हमारे पास गिवन हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई अपॉन टोटल मास कितना 18 मल्टीप्लाई 100। याद रखिए नंबर ऑफ एटम भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 से, अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 2 से कट हुआ तो ये 9 हुआ, और यहाँ 100 अपॉन 9 हुआ तो डिवाइड करिए, 9 बन जा 9 हुआ, फिर 9 बन जा 9 हुआ, और अप्रॉक्सीमेट हर बार 1 आएगा तो 1 11 है। तो यानी परसेंटेज ऑफ अगर हम बात करें तो ये हमने निकाला हाइड्रोजन के लिए, अब आप 100 से माइनस कर देंगे 11.11, तो यू विल गेट आंसर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये लगभग आ जाएगा 88.9% फॉर ऑक्सीजन। ओके हाँ, थैंक यू। आई एक्सप्लेन ना इन वाइट बोर्ड मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय मास। अच्छा पार्ट पर मिलियन क्या होता है? पार्ट पर मिलियन मतलब मिलियन होगा 10 to power 6, 10 lakh इक्वल टू 1 million। ओके पार्ट पर मिलियन मतलब 10 to power 6, वही सेम अगर परसेंटेज काउंट करते हैं, यानी परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, कोई चीज़ को 100 पार्ट में तोड़ के एक पार्ट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज़ 100%। और इसी चीज़ को पार्ट पर मिलियन बोल दिया जाए तो यानी वही जो 100 लिखा था उसकी जगह क्या आपको 10 to power 6 लिखना है। देखिए नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कॉम्पोनेंट देन मल्टीप्लाई बाई 10 to power 6 अपॉन टोटल पार्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट, सेम उसी तरीके जैसे परसेंटेज होता है। चलिए आगे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ
मोल ऑफ कॉम्पोनेंट्स आ सिंगल कॉम्पोनेंट्स एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन. लुक एट द वाइट बोर्ड. इसको एक्स से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ई से जेटा बोलते हैं, जेटा. जेटा ए मतलब फॉर सॉल्यूट और जेटा बी फॉर सॉल्वेंट. दोनों का यूनिटरी जो होती है वन, इसको याद रखेंगे आप. अच्छा, एक से दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके, इसी तरह एक्स भी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, यह तक समझ में आया. नेक्स्ट देखते हैं आगे. इसके बाद अगर हम जेटा ए निकालना है, कई बार एक से बोला जाता तो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल लिखने से मतलब है. और ये याद होना चाहिए कि एक से या जेटा ए किसके लिए यूज़ करा जाता है. जेटा ए सॉल्यूट होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, हमें मोल्स हमको मालूम है सॉल्यूशन में दो ही चीज़ होती है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. तो टोटल मोल्स तो आपको एन ए प्लस एन बी हो गया टोटल मोल्स. तो यहाँ पे देखिए जेटा ए मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लेंगे तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे एन ए आएगा. मोल्स को हमेशा एन से रिप्रेजेंट करते हैं. टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी. यहाँ दो कॉम्पोनेंट्स मान रहा है एक सॉल्यूशन में, एक से ज़्यादा कॉम्पोनेंट होगा तो अगर मान लो तीन है तो आप एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ले लेंगे. चार होंगे तो आप एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी ले सकते हैं. ओके, इसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा. इसी तरह अगर एक्स भी अगर पूछा जाए आपसे तो आपको यहाँ पे एन बी कट करना है, यहाँ पे एन ए कट करके एन बी लिखना है. इस तरीके से आप सॉल्यूट का निकाल सकते हैं. देखते हैं न्यूमेरिकल्स. देखिए अगर फॉलो लीजिए, आपको अगर दिया है जेटा ए कैलकुलेट करना है, जेटा ए कैलकुलेट करना है आपको. देखिए इन द क्वेश्चन जेटा ए फाइंड आउट करना है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी टू वैल्यूज़ आर गिवेन. सो एन ए इक्वल टू मोल एंड एन बी इक्वल टू फोर मोल. तो यू विल पुट द वैल्यू हियर, टू अपॉन टू प्लस फोर, देन यू गेट द टू अपॉन सिक्स, देन वन अपॉन थ्री, एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल्सो इन एवरेज इट. द वैल्यू ऑफ जेटा ए जेटा ऑलवेज लेस देन द वन बिकॉज द सम ऑफ जेटा ए प्लस जेटा वी इज इक्वल यूनिटरी. यूनिटरी मीन्स वन के इक्वल होता है. तो हमेशा वैल्यू वन से, अगर किसी व्यक्ति की वैल्यू वन से ज़्यादा आती है तो ये समझ लीजिए उसका आंसर गलत है. ओके, नाउ नेक्स्ट. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तीनों चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं इन टेक्स्ट टेक्स्ट और वो सब आपको सॉल्व करना है. हार्डली अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, 30 करीब न्यूमेरिकल होंगे और 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में. तो आपको इन सब न्यूमेरिकल्स पे ध्यान रखना है. एग्जांपल्स जो दिए हैं वो इंटेक्स और टेक्स क्वेश्चन, हार्डली 20 न्यूमेरिकल्स, हार्डली जो है 30-35 न्यूमेरिकल्स होते हैं अगर पूरे आप अगर करने की कोशिश करें तो. और बहुत ईजी मेथड पर सेम पैटर्न पर कुछ न्यूमेरिकल होते हैं और कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं. तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बन जाएंगे. हर चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है. देखिए मोल फ्रैक्शन दिया है इन्होंने, तो ये 20 अपॉन 62 निकाल रहा है. तो यहाँ पे वो n इक्वल वेट अपॉन मोलर मास फार्मूला गया. C2H6O2 का जब आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द 62 और गिवन मास जो दिया वो 20%. यानी अगर C2H6O2 अगर 20% है तो बाकी बचा मास 80% होगा वाटर का. ठीक है, इसके हिसाब से इन्होंने सॉल्व किया. चलिए मोलरिटी 11 में भी पढ़ा है हमने. मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल M. यूनिट इज मोल पर लीटर. ओके, एंड डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी. पूछा जाता है पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन द मोलरिटी एंड मोलालिटी. इसको मैं भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. देखिए ये न्यूमेरिकल्स दिए हैं इसके. मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द मोलालिटी. अच्छा, एक क्या समझ सकते हैं हम इस चीज़ को, मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है देखते हैं. देखिए लुक एट द वाइट बोर्ड.
see the difference. Molality means number of moles present per liter and molality means number of moles per kilogram. ये चीज़ आपको समझ में आ रही है. लीटर मीन्स हुआ कि वो क्वांटिटी को हमें लिक्विड में मिलाना है. मान लीजिए पानी में अगर आप नमक ऐड कर रहे हैं तो उसको आप मोलरिटी में काउंट करेंगे, और अगर नमक को आप आटे में ऐड कर रहे हैं तो मोलरिटी काउंट करेंगे. आपने देखा होगा टूथपेस्ट जो होते हैं, जो जैसे मान लीजिए डावर लाल पेस्ट भी आता है और डावर लाल पाउडर भी आता है. पाउडर के लिए अगर वो चीज़ काउंट करी जाएगी तो वो मोलरिटी होगी, और अगर वही क्वांटिटी आप अगर लिक्विड थिंग के लिए काउंट करेंगे तो वो मोलारिटी हो जाएगी. ओके, ये चीज़ दिमाग बैठे. मोलारिटी बोलने में भी हल्का लग रहा है, यानी लीटर में आएगा. मोलारिटी बोलने में थोड़ा सा भारी लग रहा है, किलोग्राम में आएगा. इस तरीके से आप याद करते हैं. अच्छा, एक ही याद रखेंगे, मोलारिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एम एंड मोलारिटी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एम. मोलारिटी क्योंकि लिक्विड होता है, लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम कम होता है क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ उसमें वेपोराइज होगी. तो मोलरिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर फैक्टर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोलरिटी अफेक्टेड, बट मोलरिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. मोलरिटी डिपेंड ऑन द मास एंड डेंसिटी. अगर मास बढ़ाएंगे यानी ऑब्जेक्ट को अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज होगा. डेंसिटी अगर कम ज़्यादा करोगे तो मोलरिटी चेंज होगी. ओके, आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ आए होंगे. देखिए एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, तो एग्जाम्पल्स से थोड़ा ध्यान करिएगा. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और जिसमें कि 2.5, 2.2, 2.1 ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं. मैं इसका एक शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूँ जो पेपर में आते हैं. लुक एट द स्क्रीन. फर्स्ट फार्मूला इज गिवन द मोलरिटी, वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम. अच्छा, वेट अपॉन मोलर मास कहाँ से आया है? नंबर ऑफ मोल्स, यानी एन इक्वल लिखते ना वेट अपॉन मास. जो भी सॉल्यूट दिया है उसका वेट रखना है और सॉल्यूट का ही मोलर मास कैलकुलेट करके रखना है. अब कभी कभी क्या होता है, डेंसिटी देकर आपको मोलरिटी कैलकुलेट कराता है और फिर मोलरिटी की हेल्प से मोलरिटी को कैलकुलेट कराता है. लास्ट एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, लास्ट क्वेश्चन जो दिया है वो इसी फार्मूले से होगा. मोलरिटी वहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, डेंसिटी और परसेंटेज दिया है, वो मोलर मास दिया है, तो वहाँ पे आप डेंसिटी जो भी दी वो रखेंगे. 1.2 करीब दिए, 1.202 वो रखना है. फिर 10 इंटू परसेंटेज जो दिया वो रख के नीचे मोलर मास रखेंगे, उससे आपकी मोलरिटी आ जाएगी. अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मोलरिटी इज़ द रिप्रेजेंट कैपिटल एम रिप्रेजेंट द मोलरिटी. यहाँ तो कैपिटल एम जो वैल्यू जो आपने ऊपर वाले सेकेंड फार्मूले से निकाली वो रख देंगे. डेंसिटी आपको दी रहेगी और लास्ट में जो mm दिया है दैट इज़ अ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो रखना है. इससे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा. देखिए इसको कैसे करेंगे. लास्ट वाले क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन आप समझ रहे होंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं. परसेंटेज 20 दिया है और डेंसिटी आपको दी है 1.22. तो फर्स्ट वाले फार्मूले में, सेकेंड वाले फार्मूले इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको मोलरिटी आ जाएगा. फिर थर्ड वाले फार्मूले में मोलरिटी, डेंसिटी और मोलर मास, पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास आपको याद रखना है, निकालना है, और उसको रखेंगे तो इजीली आपका आ जाएगा आंसर. ठीक है, चलिए, थैंक यू.